सो व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा, हम लोग ने रॉयल एनफील्ड को कम्प्लीटली रिस्टोर किया। ग्लॉस ब्लैक में कलर था, हम लोग ने इसको पेंट करके डल ब्लैक यानी मैट ब्लैक में कलर किया है। एंड एक एक चीज़ उसमें मॉडिफिकेशन की, वो आपको कंप्लीट बताऊंगा। अगर आप भी चाहते हो आपकी बाइक, स्कूटी या तो कार रिस्टोरेशन करने के लिए, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। विंटेज कार से लेके कोई भी कार आपको मॉडिफिकेशन करनी है, सारी चीज़ें का आपको जो अपडेट मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में आप लोग को मैं कैफे रेसर का भी अपडेट। पहले अपने पास ये विंटेज कार आई है एंड इसको अपने पूरा कंप्लीट रिस्टोर करने वाले हैं। ये बेसिकली मीत भट्ट की गाड़ी है, जो अपना फ्रेंड ही है, एंड कंप्लीट इसको रिस्टोर करेंगे। ये फिएट की गाड़ी आप देख सकते हो, पद्मिनी, इसको पूरा कंप्लीट अपने रिस्टोर करेंगे। एलॉयज से लेके कंप्लीट इसमें डालेंगे, एलॉयज थोड़े अपने फैट डालने वाले एंड बॉडी का इसका पूरा काम होगा। कलर जो है वो भी आपको आगे जाके पता चलेगा। इसका पूरा कंप्लीट सीरीज लाऊंगा मैं, बहुत मज़ा आएगा उसमें। एंड साथ ही में जो अपनी कैफे रेसर है वो भी कंप्लीट होने को है। अभी इसका अपने जो है सीट लेके आएंगे एंड इसका भी प्रॉपर एक वीडियो आएगा। कैफे रेसर आप देख सकते हो टैंक का कलर कुछ इस तरीके से एंड किस तरीके से दिख रही है। गाड़ी थोड़ी सी टॉल है, थोड़ी नहीं अच्छी खासी टॉल है दूसरे बाइक के रिलेटेड। अगर बाजू में कोई बाइक रखोगे ना, वर्जन 2 वर्जन 3 भी इससे छोटी लगती है। एंड टायर्स भी यहाँ पे आप चेकआउट कर लो, जो गैप था वो 4 to 5 फिंगर्स है एंड एकदम वर्केबल है। सो गाइज, ये रॉयल इनफील्ड 350 है जो अपने पास 7 से 8 दिन पहले आई थी। इसमें कंप्लीट कलर चेंज किया हम लोग ने, ग्लॉस ब्लैक कलर की थी ये गाड़ी एंड हम लोग ने इसको जो है डल ब्लैक में किया है एंड ग्राफिक्स किए और बहुत सारी इसमें एसेसरीज भी इंस्टॉल की है जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो पेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको कंप्लीट टैंक पेंट किया है, मतलब जो बॉडी पार्ट्स में आते सारी चीज़ें, टैंक, मडगार्ड, साइड का बैटरी बॉक्स और पीछे का जो मडगार्ड आता है, सारी चीज़ें पेंट की है। साथ ही में जो सारी इसकी एसेसरीज है उसको भी हम लोगों ने ब्लैकआउट किया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका जो फ्रंट का मैकव्हील है उसको ब्लैकआउट किया है कम्प्लीट, एंड सस्पेंशन का भी खोल के, हेड भी पूरा खोल के ब्लैकआउट किया है। सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया कि जितने भी जो आपकी ग्लॉसी चीज़ें उसको डार्क करने के लिए, तो वैसे ही हम लोग ने यहाँ पे आपका जो ये मीट अपना जो हेडलाइट का कवर आता है उसको भी कलर नहीं किया, ये पूरा कंप्लीट मैट में असेंबली मिलती है वो लगाया। 480 रुपीज़ की आती है तो ये हम लोग ने इंस्टॉल की है। साथ ही में ये जो लाइट है उसको भी चेंज किया, पायलट लाइट भी चेंज किया जो मैं आगे आपको बताऊंगा। हैंडल्स हम लोग ने यहाँ पे चेंज किए, जो हैंडल्स है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आप बैठोगे तो कंफर्टेबल फील होगा एंड अच्छा खासा जो है बाइक का लुक भी आ जाता है इससे। एंड साथ ही में हम लोग ने जो है बार एंड मिरर्स लगाया है जिससे बाइक का लुक थोड़ा सा और एनहेंस हो रहा है और पूरा कंप्लीट लुक देखो किस तरीके से इसका आ रहा है। और साथ ही में ग्राफिक्स में हम लोग ने क्या किया आपको बता दो। ग्राफिक्स में मेनली हम लोग ने यहाँ पे कुछ इस तरीके का ब्लैक ग्लॉस में स्टिकर लगाया ताकि के जो है ना आपको एक अच्छा लुक प्रोवाइड हो और आंखों को देखने में भी अच्छा लगे, क्योंकि ये क्या है डल ब्लैक एंड जो अपना ग्लॉस ब्लैक है उसका कॉम्बिनेशन बहुत सही लग जा रहा है। यहाँ पे हम लोग ने आप देख सकते हैं रॉयल इनफील्ड का कस्टम स्टिकर बनाया है, ये हिमालयाज है, इसके नीचे हम लोग ने लिखा है रॉयल इनफील्ड। तो किस तरीके से लोगो लग रहा है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही में ये वाला पोर्शन को हम लोगों ने ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया क्योंकि मोस्टली हम लोग को बाइक को है ना ब्लैक थीम पर रखना था। एंड साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हो एक लोगो बनाया है जैसे इंजन रहता है वैसे सेम, एंड यहाँ पे लिखा है रॉयल बुल्स, एनफील्ड बुल्स। तो ये पूरा कंप्लीट इसमें ये चीज़ें की है। सीट को हम लोगों ने टोटली ब्लैक में किया है, मैट ब्लैक फिनिशिंग में इसको स्टिचिंग कराया है। एंड साथ ही में जो पीछे का आपको टेल लाइट भी चेकआउट कराता हूँ, तो ये पूरा कंप्लीट हम लोगों ने ब्लैक रैप किया है। अभी आप देख के बोलोगे कि यार रैप पे तो टर्न लोगे तो कैसे दिखेगा, वो भी आपको एक बार चेकआउट करा देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं इग्निशन ऑन करता हूँ एंड यहाँ पे मैंने इंडिकेटर्स को ऑन किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो है ना विजिबल एकदम, और ब्रेक मारेंगे तभी भी एकदम प्रॉपरली विजिबल रहेगा। तो मतलब आपको वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी पीछे वाले बंदे को टर्न वन लेंगे तो। बाकी ये वाला पोर्शन पूरा ब्लैक किया है, पीछे का व्हील भी हम लोगों ने कंप्लीट ब्लैक किया है, सस्पेंशन ब्लैक किया है, इंजन को ब्लैक किया है, मतलब पूरा कंप्लीट डल ब्लैक का चीज़ें इसमें हम लोगों ने की है। ये वाली चीज़ को हम लोगों ने छोड़ दी क्रोम में क्योंकि इसके साथ मैच हो रहा था, अभी सबको करना इसको भी ब्लैक कर देते तो पूरा कंप्लीट ब्लैक हो जाता, फिर वो जो लुक आता ना कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा हो जाता, मतलब पूरी डार्क टाइप बाइक हो जाती है, इसलिए हम लोगों ने वो चीज़ को छोड़ दी। एंड अभी बात करते हैं फ्रंट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा कंप्लीट एलईडी सेटअप हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल किया है और ये आपको डीआरएल के साथ देखने मिलेगा। डीआरएल आप ऑन करोगे तो कुछ इस तरीके से पूरी बाइक दिखेगी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आपको जो है दो पायलट लैम्प देखने मिल जाएंगे जो येलो कलर के आते थे एंड हम लोग ने इसको व्हाइट एलईडी में रिप्लेस किया है। तो अभी इतना मॉडिफिकेशन किया है तो फिर ये दोनों को बहुत लोग देखा छोड़ देते, ये लाइट लगा देते और इसको येलो ही छोड़ देते, तो हम लोग ने इसको ब्लैक किया है। एंड साथ ही में डीआरएल चेकआउट करो, अब मार्केट में जो बहुत सारी जगह पे आपको डीआरएल देखने मिलेगी ना उसको यहाँ पे आपको एलईडी का डॉट 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 दिखता है, बट एकदम फ्लुएंट दिखता है, मतलब एकदम एक जैसा दिखता है और कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें आपको देखने में, एकदम अच्छा लगता है, ऐसा नहीं लगता कि एलईडी एक एक करके प्लेस किया है। एंड उसके बाद एक और चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे हम लोग इसको ऑन करेंगे लो बीम पे तो आप इसका फोकस चेक करो, अभी तो दिन है फिर भी इसका फोकस चेक करो आप लोग एक बार,
तो ये कुछ इस तरीके का फोकस दे रहा है एंड इसका हाई बीम भी आपको चेकआउट करा देता हूँ। तो टोटल इसमें कुछ 8 LEDs सेटअप है हाई बीम पे एंड लो बीम पे, एक बीच में जो सेटअप आता है बड़ा LED का वो है एंड काफ़ी अच्छा खासा देख सकते हो आप इसमें नाइट में व्यू प्रोवाइड कर देता है, कोई दिक्कत नहीं आती आपको ये चीज़ में। तो ये चीज़ है, डेंटिंग करना पड़ा था उसके बाद जो कंप्लीट पेंट लेवल के बाद आप देख सकते हो पूरा कंप्लीट किस तरीके से बाइक का फिनिशिंग आया। एंड अगर आप चाहते हो आपकी कोई भी बाइक कार कोई भी स्कूटी अगर आपको जो इसको रिस्टोर कराना है मॉडिफिकेशन कराना है, स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहा होगा, एक बार जाके ज़रूर कॉन्टैक्ट करना, आपको सारी सर्विस वहाँ पे देखने मिल जाएगी। बाइक की सर्विस जनरल सर्विस करानी है तो भी आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आप वापी गुजरात से बिलोंग करते हो तो, या दमन वलसाड़ से कहीं से भी, तो आपको जो है सारी सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो यही था इसका पूरा कंप्लीट वीडियो एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड आप लोग बताओ कि बुलेट का कैसा लगा पूरा कंप्लीट वीडियो। इसका हम लोग का प्लान था कि पूरा जीरो से, मतलब जब बाइक आई थी तब इसका रिस्टोरेशन का वीडियो बनाने के लिए जैसे अपने एक्टिवा सीरीज का कर रहे हैं, बट नहीं कर पाए क्योंकि ये पहले किसी और के पास थी एंड उनसे नहीं हो पाया, तो फिर अपने ये पूरी कंप्लीट बाइक को कलर किया।